आप सब बहुत अदब और इहतराम के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब देने का रिवाज खत्म। चलो बात समझ के नहीं, रिवाज समझ के बंद कर। मैं दोबारा फिर बोलता हूँ आपको, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो क्या वो कहते हैं कि उल्फत का मजा जग जाए, कि दोनों बेकरार दोनों तरफ आग बराबर लगेगी। तो अगर आप पूरा साल मेहनत करते हैं तो हम भी इंतजार करते हैं पूरा साल कि कब 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 कोई शख्स आएंगे। माशाल्लाह बड़े बड़े मदद करने वाले साथी हैं हमारे नौजवान। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बहुत बरकतें अता फरमाए। और क्या कमाल हमारे बुजुर्ग थे हजरत मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो मैंने उनकी मौजूदगी में एक मरतबा यह हदीस पढ़ी तो हजरत ने मुझसे माइक दिया और माइक देकर मीर नसीर उद्दीन साहब का पूरा तारुफ उन्होंने फरमाया ना, पूरा साल मेहनत की। और मैंने अर्ज किया कि हमें इंतजार फिर शेर याद आ गया, उनके आने का इंतजार उम्र भर मौसम से बाहर। तो ये तो हो गया जो उनका काम था उन्होंने कर लिया, जो हमारा काम था तो हम कर गए। अब एक आधा काम आप और वो काम ये है कि तवज्जो के साथ तो आप इज़्ज़त सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो आप सबसे किस तवज्जो की रखते हैं कि आप तवज्जो के साथ सुनेंगे, लेकिन कुछ इजाफी जिम्मेदारी भी है आप हजरात की खिदमत में। और वो ये है कि आप जरूर बोल कर भी दिखाएंगे ये शेर जुमा का बयान क्या आप कहेंगे यहाँ सुबह अकेले से जिस अल्लाह ने उसके अंदर ये असर रखा है उसके नाम में कितना असर। लेकिन क्योंकि हमारा मन का ज़्यादा बिगड़ा हुआ है महसूस नहीं होता असर असर। आप नाराज ना हो कि मैंने क्या शुरू कर दिया आखिरी बात अर्ज करके, लेकिन मैं शुरू करूंगा। बुजुर्ग फरमाते हैं जब कोई इंसान कहता है अल्लाह उसके मुंह से नूर निकलता है जोर से बोलना। ये कोई मामूली बात नहीं है। या आप बाजार में बैठ रहे हैं, यहाँ गाड़ियाँ गुजर रही हैं, रिक्शे गुजर रहे हैं, साइकिल मोटरसाइकिल गधा गाड़ियाँ, यहाँ अल्लाह का जिक्र करने का मौका कम कम था। आप इस जमीन पे बैठे हैं, आप इस पे अल्लाह का नाम लेंगे तो कयामत के दिन ये जमीन आपके ईमान की गवाही देगी। गुनाहों के गवाह को हमने बहुत बना लिया, नेकी के भी बनाने चाहिए। मोहब्बत के साथ इस मौके को बन जाएगा।